Hello dear students, so today we are going to talk about lesson number 3, The Midnight Visitor, class 10th, from the book Footprints Without Feet. So today we are going to discuss a brief summary of this lesson. In this lesson, what we are going to discuss is that there are the main characters of this, these are the main characters of this lesson, Fowler, Max and Orcival. So I am going to tell you that in this lesson, The Midnight Visitor, this story is surely based on two secret agents who were working on a mission, on a risky mission. So the role of Fowler is, he is a reporter and by profession, and he came to interview Orcival, who was also a secret agent. So what happens between them, how Orcival and Fowler, while they were sitting, how they encountered Max, who was another secret agent. So I will be very briefly explaining you about the summary so that you can actually get an idea that what exactly is there in this lesson. सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर ये जो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, फोलर, मैक्स एंड ऑसिबल. फोलर जो होता है, इज अ रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर. तो वो ऑसिबल के पास आता है, किस लिए आता है, वो उसका इंटरव्यू लेने आता है, इंटरव्यू रिगार्डिंग के जो भी वो अपने सीक्रेट जो भी टास्क मिशंस करता है रिलेटेड टू दैट. तो जब वो ऑसिबल से मिलने आता है, बिफोर दैट उसके मन में होता है कि ऑसिबल इज़ अ सीक्रेट एजेंट, तो ही मस्ट बी वेरी टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, मैस्कुलर एंड स्टफ़ लाइक दैट. बिकॉज वेन वी कॉल द टर्म सीक्रेट एजेंट, तो सीक्रेट एजेंट से अगर हम बात करें इस वर्ड की, तो हमारे पहले देर आर सम नोशन सेट ऑलरेडी सेट इन आवर ब्रेन दैट इट द ही और शी मस्ट बी टॉल, हैंडसम एंड मैस्कुलीन. ऑफकोर्स दीज other points that are already there in our mind ki usse pehle, lekin on the other hand jab Fowler Orcival se milta hai to wo bahut hi shock ho jata hai, because Orcival ka jo body structure hai aur jo uska जो उसकी एक बॉडी की प्रेजेंटेशन है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट अ सीक्रेट एजेंट लुक्स लाइक. तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है. कौन? फोलर. फोलर बहुत शॉक्ड होता है, बिकॉज उसको लगता है कि हाँ, ये तो टोटली ऑपोजिट है भाई Orcival, बिकॉज उसकी हाइट शॉर्ट होती है, वो फैट होता है, बल्कि होता है, और इतना स्मार्ट नहीं होता जैसे नॉर्मली सीक्रेट एजेंट्स होते हैं. By smart, I just mean the physical appearance of him. I am not explaining here the mental abilities that he is having, that you are going to realize while I end the lesson. When I will end the lesson, you will realize that yes, Orcival was a genius person. So it doesn't only, it's not just about the physical appearance sometimes. Orcival की अपीयरेंस को देख के आप नहीं कह सकते कि वो एक सीक्रेट एजेंट लगता है, वो एक नॉर्मल सा इंसान लगता था, और Fowler उस चीज़ को देख के बहुत ही शॉक हुआ था. दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, एज ए शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि Orcival की अपीयरेंस कैसी थी, और Fowler उसके उसके लुक्स को देख के शॉक क्यों हो गया था, और वाई ही वॉज नॉट एबल टू पिक्चर हिम. सो दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, वाहिल जैसे ये सब चीज़ें होती हैं, तो Orcival और Fowler, जो Orcival है वो एक होटल में रहता है, उसका जो रूम होता है वो 6th फ्लोर पे होता है. तो Orcival और Fowler दोनों जाते हैं Orcival के रूम में टू डिस्क, बिकॉज Fowler का उसको इंटरव्यू लेना होता है Orcival का. तो जैसे ही वो रूम में जाते हैं, Orcival जो है एक वेटर को ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा होता है उसने, फॉर ड्रिंक्स के लिए, आइस क्यूब्स के लिए उसने उसको ऑर्डर किया होता है एक वेटर को. तो जैसे ही वो लोग बैठते हैं और वो Orcival डिस्कस कर रहा होता है रिपोर्टर से रिगार्डिंग द रिस्की मिशन दैट ही इज़ डूइंग, और वो मिशन कितना रिस्की है, वो पेपर्स जो उसके पास आने वाले होते हैं रिलेटेड टू द मिशन, तो तभी क्या होता है, देर इज़ अ रिंग, डोर बेल रिंग होती है. तो जैसे ही डोरबेल रिंग होती है, Orcival देखता है, तो वो शॉक में नहीं जाता,
बिकॉज जाना तो उसको चाहिए था शौक में, लेकिन वो शॉक्ड नहीं होता बिकॉज दैट वॉज द प्लस पॉइंट ऑफ पॉसिबल दैट ही वॉज नेवर एवर यू नो थ्रेटन्ड और अफ्रेड ऑफ मैक्स. तो देखता है कि वहाँ पे मैक्स आता है और मैक्स के हाथ में होती है क्रिस्टल. तो पॉसिबल वॉज रिलैक्स्ड काम, उसको उससे कोई भी डर नहीं लगता है. वो उससे मिलता है, मैक्स उससे डायरेक्टली बोलता है रिगार्डिंग द पेपर्स, रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट पेपर्स दैट पॉसिबल वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर. बिकॉज वो पॉसिबल और मैक्स दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही मिशन पे वर्क कर रहे होते हैं. तो द मोमेंट दे रियलाइज, वो रियलाइज़ करते हैं कि जो फोलर तो ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी अफ्रेड मैक्स को देख के, मैक्स ऑन द अदर हैंड पॉसिबल के कंपेरिजन में टॉल था, हैंडसम था, स्मार्ट था, मैस्कुलिन था. सो वो प्रॉपर एक जो उसकी छवि थी उसके मन में, फोलर के मन में रिगार्डिंग सीक्रेट एजेंट, वो फुलफिल करता था मैक्स. ये पॉइंट आपको याद रखना है. लेकिन जब वो फोलर मैक्स को देखता है तो वो डर जाता है बिकॉज ही वॉज हैविंग अ पिस्टल इन हिज हैंड्स. सो ही वॉज वेरी मच अफ्रेड. बट ऑन दी अदर हैंड पॉसिबल वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड. उसने उस चीज़ को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करा. वो स्मार्टली उसने कैसे हैंडल करा, उसने फटाफट से एक स्टोरी इन्वेंट करी. स्टोरी क्या थी, बैल्कनी की स्टोरी थी कि जो पॉसिबल का रूम है उसके बाहर एक बैल्कनी है. तो वो कैसे बोलता है इस चीज़ को, मैक्स को कैसे बताता है, वो बोलता है मैक्स को कि मैंने होटल वालों को बहुत बार बोला है कि इस बैल्कनी को क्लोज करवा दे, लेकिन वो इसको क्लोज नहीं करवाते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ पॉसिबल. ये बात वो उसको पहले ही बता देता है मैक्स और फोलर को. However, तब तक ना तो कोई उनके रूम में सिर्फ मैक्स, फोलर और पॉसिबल, ये तीन लोग ही होते हैं. और वो फटाफट से ये स्टोरी इन्वेंट करके, बैल्कनी की एक छोटी सी स्टोरी इन्वेंट करके मैक्स के दिमाग में ये डाल देता है कि उसके रूम के बाहर एक बैल्कनी है. आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, तो जैसे जैसे ये चीज़ें वो मैक्स को बोलता है तो मैक्स वॉज ऑल्सो लिसनिंग टू हिम एंड मैक्स वॉज आस्किंग फॉर द पेपर्स अगेन एंड अगेन. तो व्हाट हैपेंस इज एक फटाफट से डोरबेल फिर से रिंग होती है. तो जैसे ही डोरबेल रिंग होती है, अब नाउ हु वाज इट, मैक्स पॉसिबल फटाफट से स्माइल करता है और बोलता है ज़रूर ये पुलिस वाले होंगे, मेरी प्रोटेक्शन के लिए आए होंगे. जैसे ही पॉसिबल ये बात बोलता है मैक्स एकदम से डर जाता है बिकॉज मैक्स को ये लगता है कि नाउ ही विल बी कॉट. बट देन वॉट ही रियलाइजेज इज दैट कि उसके रूम के बाहर बैल्कनी है. तो वो फटाफट से अपना एक पैर बैल्कनी समझ के बाहर रखता है और दूसरा पैर उसका रूम में ही होता है और वो पिस्टल को अपने हाथ में ही लिया होता है, पॉइंटेड टूवर्ड्स पॉसिबल और फोलर. जैसे कि आप इमेजिन करने की कोशिश करें कि ये एक होटल रूम है और इसके अकॉर्डिंग टू मैक्स यहाँ बैल्कनी है, लेकिन यहाँ पर कोई बैल्कनी नहीं होती है. दिस इज़ वॉट द इन्वेंशन ऑफ पॉसिबल्स माइंड. पॉसिबल ने ये स्टोरी इन्वेंट करी जिससे कि मैक्स को ये बिलीव हो जाए, मैक्स ये सोचे कि यहाँ पे बैल्कनी है, जहाँ पे यहाँ पे बैल्कनी थी ही नहीं. पॉसिबल ऑलरेडी इन द रूम, फॉलर ऑलरेडी इन द रूम. तो वो हाफ अपनी लेग को बाहर निकालता है और हाफ एक लेग उसकी रूम में होती है. तो जैसे ही वो मैक्स ज़रा सा भी बेंड करता है वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई बैल्कनी थी ही नहीं, ये तो स्टोरी थी जो पॉसिबल ने फटाफट से विद इन सेकेंड्स इन्वेंट करी थी जस्ट टू मेक श्योर दैट ही विल बी फ्री फ्रॉम मैक्स ट्रैप. मैक्स के जो ट्रैप से वो फ्री होना चाहता था बिकॉज सी sometimes what happens is it's not our physical strength that matters, sometimes the mental abilities play a vital role in our life. similarly in the case of पॉसिबल usne usko mind se trick kara rather than ki usko physically harane ki koshish kara ya fir usse dar gaya, wo dara bhi nahi, kuch bhi nahi hua. fowler was very much shocked is sab ko dekh ke. fowler bahut shock ho gaya, उसे भी लगा भाई क्या बात है, मैक्स ने तो पॉसिबल ने तो कमाल कर दिया, ही आउटविटेड मैक्स. अब बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं. और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि उस डोरबेल पे कौन था, नन अदर देन वेटर था जिसको पॉसिबल ने थोड़ी देर पहले कॉल करके आइस क्यूब्स लेने के लिए बुलाया था. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ पॉसिबल आउटविटेड मैक्स, उसने मैक्स को कैसे हराया. तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि कैसे उसने स्टोरी बैल्कनी की इन्वेंट करी और कैसे उसने मैक्स को हराया. ठीक है,
उसने स्टोरी बैल्कनी की इन्वेंट की विद इन सेकेंड्स. उसने बोला कि जो उसके होटल वाले हैं वो उनको बहुत बार कंप्लेंट कर चुका है कि जो बैल्कनी है उसके रूम के बाहर, भाई उसको क्लोज करवा दो, ठीक है, जबकि वहाँ कोई बैल्कनी थी ही नहीं. लेकिन उसने मैक्स के दिमाग में ये चीज़ डाली. तो इस पॉइंट को यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इट वॉज ऑल ऑसिबल्स प्लानिंग. ठीक है, एक ये क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड एग्जाम्स में कि हाउ ऑसिबल वॉज एबल टू आउटविट मैक्स और हाउ ही आउटविटेड मैक्स. तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद फोलर जो है वो ऑसिबल की अपीयरेंस से कैसे शॉक हुआ, बिकॉज उसके माइंड में, सभी के माइंड में यूजुअली ये सेट होता है कि जो सीक्रेट एजेंट है दैट इज सपोज टू बी हैंडसम एंड यू नो स्टफ लाइक दैट. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल. एंड मैक्स कैसे मैक्स बेवकूफ बना ऑसिबल से, ये क्वेश्चन भी समटाइम्स यू नो दे मे आस्क यू. ऑल्सो यू हैव टू लर्न द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसिबल. एंड फोलर का इसमें यही रोल था कि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर था और वो ऑसिबल का इंटरव्यू लेने आया था. यू नो नथिंग मच, बट येस ही वॉज अ पार्ट ऑफ द टाइम यू नो द सिचुएशन वैन ऑसिबल मैक्स वर इन द रूम एंड मैक्स वॉज आस्किंग अबाउट द पेपर्स, द इम्पॉर्टेंट पेपर्स. अब दीज आर सम ऑफ द पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर बिफोर रीडिंग द लेसन. अब इसकी जो लेसन की जेस्ट है वो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट नॉट अबाउट द समरी. इट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर रीडिंग द लेसन यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स दैट व्हाट इज द बेसिक क्रक्स, कि इस लेसन का बेसिक क्रक्स क्या है. बेसिक जो इसका थीम है वो क्या है, वो ये है कि इट इज़ अबाउट द सीक्रेट एजेंट. सीक्रेट एजेंट्स होते हैं दो, वो दोनों ही उनका सेम मिशन है लाइफ में, वो दोनों ही एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, एक मिशन पे वर्क कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअली एक रिस्की मिशन है. और कैसे उनमें से एक सीक्रेट एजेंट दूसरे एजेंट से जीत जाता है, इस लेसन के नाम में ही कहीं ना कहीं है कि मिडनाइट विजिटर जो आधी रात को विजिटर बन के आता है उनके रूम में, दैट इज़ मैक्स. ठीक है, तो कैसे वो उससे जीत उस पर जीत हासिल करता है, ऑसिबल हाउ ही आउटविटेड हिम. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द समरी कि कैसे इसमें मेन जो हमारे कैरेक्टर्स हैं क्या उनका रोल है और क्या उनका वर्क रहा इस लेसन के अंदर. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय दैट नाउ. ऑल्सो जो यहाँ पे मैंने आपको स्टोरी ऑफ बैल्कनी बताया है इसको आपने बहुत अच्छे से समझ के रखना है, बिकॉज बैल्कनी की जो ये पूरा लेसन है इट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी. पूरा का पूरा लेसन का जो जेस्ट है वो इसी के अंदर, जो क्लाइमैक्स है बेसिकली वो यहीं पे आके रुकता है कि क्या वो बैल्कनी थी या नहीं थी. कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, आप खुद सोच के देखो, अगर आपको भी कोई ऐसे एक फटाफट से स्टोरी बना के समझाने लग जाए बैल्कनी की, तो आप भी सोचोगे यार क्या पता सच में यहाँ पे बैल्कनी हो, मैं बैल्कनी में छुप जाता हूँ. तो सेम मैक्स ने भी मिस्टेक कर दी बिना सोचे समझे. तो आप ये सोचो कि ऑसिबल कितना समझदार और कितना स्मार्ट इंसान था जिसने विद इन सेकेंड्स बिना किसी डर के वो स्टोरी को इन्वेंट करा. तो दैट इज़ समथिंग वी मस्ट लर्न फ्रॉम ऑसिबल कि हर कुछ लाइफ में इफ़ यू आर नॉट फिजिकली स्ट्रांग, अगर आप फिजिकली इतने स्ट्रांग और शार्प नहीं हो, आप मेंटली शार्प हो भाई. मेंटली शार्प जो इंसान होगा वो फिजिकली शार्प को कुछ स्ट्रांग बंदे को यूं हरा देगा अपनी लाइफ में. दैट इज़ वॉट ऑसिबल has done in this lesson. देखिए आप खुद सोचो कि मैक्स के हाथ में पिस्टल थी, कोई भी नॉर्मल अगर हम जैसे कोई भी इंसान होगा तो एक सेकंड के लिए तो यार हमें डर लगेगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर, मतलब यू नो वी कैन इजीली बी थ्रेटन्ड बाय हिम. लेकिन ऑसिबल वॉज नॉट लाइक दैट, ही वॉज समवॉट डिफरेंट पर्सन. उसने उस चीज़ को भी इतने ईजिली हैंडल कर लिया और कैसे उसने फटाफट से ये स्टोरी इन्वेंट करी और इस स्टोरी से उसने सबको शॉक में डाल दिया. सबसे ज़्यादा तो फोलर वॉज शॉक्ड क्योंकि उसको ये लग रहा था कि भाई ये ऑसिबल क्या सीक्रेट एजेंट है, ये तो यू नो फैट है, ये है वो है. तो हमें कभी भी लाइफ में इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि भाई हमें वी शुड नेवर एवर किसी को हमें कम नहीं सोचना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी फिजिकल अपीयरेंस. ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है ही और शी इज़ यू नो फैट शॉर्ट हाइट तो ये भाई कुछ नहीं कर सकता. हमें किसी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए जैसे कि फोलर ने समझ लिया था, बिकॉज ऑसिबल वॉज मोर देन ऑल दीज थिंग्स, वो कुछ और ही था. ये आपको अब तक इस सारे समरी से समझ आ ही गया होगा. तो मेन जो ये लेसन था दैट इज़ वॉट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. बैल्कनी स्टोरी आपको याद रखनी है. बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये 110% बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है.
ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क करके ले लो, चाहे दिस क्वेश्चन जो बैल्कनी स्टोरी का क्वेश्चन है, ये आपको आप पिछले लास्ट एंड यू नो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में भी देख लेना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा इस लेसन का, दैट इज़ लेसन नंबर 3 कि हाउ ही आउटविटेड मैक्स, हु पॉसिबल हाउ ही आउटविटेड बाई इन्वेंटिंग द स्टोरी ऑफ बैल्कनी, ओके दैट यू मस्ट रिमेंबर. So that's all from my side. I hope you have understood this lesson. Thank you so much for watching my video.